हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कलयुग में बहुत सारे इंसान आज भी इस धरती पर ऐसे हैं जिनको उनके गुनाहों की सज़ा आज भी नहीं मिली है। उन्होंने दूसरों को लूटा, अपने देश के खिलाफ जाकर षड्यंत्र रचा, दूसरों को लूटकर अपनी तिजोरी भरी, बहुत सारे पाप किए, बहुत सारे अपराध किए और लोगों की नज़रों से, कानून से बचकर आज भी जिंदा हैं। क्या ऐसे लोग कल्कि अवतार के एक्सपोज गेम में फंसेंगे? आज इसी पर दे रही हूँ मैं आप लोगों को अपना वीडियो। कल्कि अवतार विथ शार्प डिवाइन आईज इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन कलयुग, सभी को पता है। और उनकी जो दिव्य शक्तियाँ हैं उनका प्रयोग इसलिए ताकि सभी अपराधियों के चेहरे से मुखौटा उतरे। शातिर खिलाड़ी समझकर अपने आप को आज भी इंसान अपराध की दुनिया छोड़ नहीं रहा है। आज भी वो अवेकनिंग की राह पर नहीं चल रहा है और सोच रहा है कि अपने शातिर चाल से कानून की नज़रों को धोखा दे सकता है, कानून की नज़रों में धूल झोंक सकता है और सबकी नज़रों से बचकर अपनी ही आत्मा को मारकर आज वो बहुत खुश हो रहा है। लेकिन क्या कभी इन अपराधियों का अंत होगा? क्या कभी वो युग हम लोगों को देखने को मिलेगा जिस युग में कभी भी कोई अपराध ना हुआ हो? आज ये सारी बातें एक सपना आप लोगों को प्रतीत हो रही हैं, सपने जैसा लग रहा है कि ऐसा युग का आना संभव नहीं है। क्या कभी क्राइम फ्री युग हम लोग देख पाएंगे? पता नहीं हम में से कौन होगा वो नसीबवान जो एक अच्छा युग देखने के लिए भाग्यवान होगा और जिसके नसीब में अच्छी बातें और सच्ची बातें और सच्चे लोगों का साथ लिखा होगा। वरना मैक्सिमम लोग आज यही समझ रहे हैं कि करप्शन और एविल पीपल, इनकी टीम लगातार जो बढ़ रही है उसे कोई भी कभी सज़ा नहीं दे सकता, क्योंकि पैसों के बलबूते पर, अपनी पावर के बलबूते पर, अपनी पोजीशन के बलबूते पर, पॉलिटिकल प्रेशर के द्वारा वो कैसे ना कैसे अपने आप को बचा ही लेता है। और गरीब जो कि कानून की लड़ाई नहीं लड़ पाते उन्हें सज़ा मिल जाती है। लेकिन कल्कि अवतार की नज़रों में हर इंसान एक जैसा है, हर आत्मा एक जैसी है। उनका एक्सपोज गेम जिस प्रकार चूहा यदि बिल के अंदर रहे दिखलाई नहीं पड़ता, लेकिन यदि बाहर दाना डाल दिया जाए तो दाने को खाने के लिए चूहा बिल में से बाहर निकलता है। सांप अंदर रहेगा, लेकिन जब सांप को भी भूख लगती है, जब सांप को भी ज़रूरत पड़ती है, उसे भी बाहर निकलना पड़ता है। ऐसे ही वो अपराधी नकाबपोश जो आज भी अपने देश को लूटकर, अपने लोगों को लूटकर, अपने परिवार को, अपने भाइयों को लूटकर या अपने रिश्तेदारों को लूटकर, अपने सगे संबंधियों को लूटकर सिर्फ और सिर्फ मैं में जी रहे हैं, एक न एक दिन उनका ये मैं का अहंकार खत्म होगा और इंसाफ उन लोगों को मिलेगा जो आज तक इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। कल्कि अवतार का एक्सपोज गेम, शतरंज की बिसात उनकी बिछ चुकी है। अब कौन कौन इसका मोहरा बनेगा आने वाले समय में आप देखते जाइए। एक्सपोज गेम में किस किस का गेम एक्सपोज होगा ये भी आने वाला समय बतलाएगा। लेकिन
सिर्फ कल्कि अवतार ही ये काम कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि आज के युग में उनके भक्तों की टीम भी उन्होंने खड़ी की है। आज ऐसे लोग भी इस धरती पर हैं जो अवेकनिंग की राह पर हैं, जो सेल्फ कॉन्शियसनेस की राह पर चल पड़े हैं, जो आध्यात्मिक की राह को जिन्होंने अपने जीवन का अमूल्य अंग बना लिया है, जो आज भी सत्य की राह पर चलना ही अपने जीवन का मकसद समझते हैं, भले कितनी भी तकलीफों का सामना उन्हें क्यों ना करना पड़े। ऐसे अच्छे और सच्चे भक्त जो कल्कि अवतार की टीम में रहेंगे और उनके एक्सपोज गेम में भी शामिल होंगे, ताकि उनके द्वारा इस खेल को आगे बढ़ाया जा सके। ऐसे लोग भले ही कम हैं, लेकिन आज भी दुनिया में मौजूद हैं, जो किसी के बहकावे में नहीं आते, किसी के द्वारा दी गई लालच उनको तोड़ नहीं सकती, और जो वो सोचते हैं कि ये सही है, या इंट्यूशन पावर जिनका बहुत अधिक डेवलप हो जाता है, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी की राह पर रहते हैं, अपने उसी पावर का इस्तेमाल कर या इंट्यूशन के माध्यम से जब उनकी अंदर की इंटरनल पावर उस हद तक पहुंच जाती है जहां पर कि उन्हें डिवाइन द्वारा, डिवाइन अवतार के द्वारा इसी एक्सपोज गेम का हिस्सा बनाया जाता है और उन्हें उनके द्वारा काम करवाया जाता है कि जाओ ऐसे ऐसे इंसान के चेहरे से अब मुखौटा हटाने का समय आ गया है। आने वाले समय में आज तो आप देख ही रहे हैं, एक से एक किरदार जो सबकी नज़रों से बचकर अपने आप को महान साबित कर रहे हैं। क्या आपने कभी सुना था तिहाड़ जेल में VIP ट्रीटमेंट मिल रही है? कॉमन इंसान जो तिहाड़ जेल में है वो तो मजबूरी वश मेहनत करके आज भी वहाँ एक सादगी भरा जीवन जी रहा है, लेकिन उसी तिहाड़ जेल में यदि मंत्री जाते हैं तो अपने पावर पोजीशन के बल पर वो सारा कुछ जो 5-स्टार होटल में, 3-स्टार होटल में फैसिलिटीज़ होती है, उन्हें वो अपने लिए मुहैया करवा लेते हैं, और ये करवाने में उनकी पावर पोजीशन पैसा इतना काम आती है कि जेल अधिकारी भी उनमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन ये अभी शुरुआत है, आने वाला समय एक से एक ऐसे शातिर अपराधी को उनके बिल से बाहर निकालेगा, जो कि आज छिप कर बैठे हैं और दूसरों के सामने सच्चाई और ईमानदारी का लबादा ओढ़े बैठे हैं और दूसरों के सामने दिखलाते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं। तो कल्कि अवतार का एक्सपोज गेम, जैसे जैसे ये डिकेड आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप लोग देखेंगे ऐसे ऐसे अपराधी जो आज भी भगोड़े हैं, अपने देश को छोड़कर भागे हैं, कहां कहां नहीं अपना वो सोर्स लगा रहे हैं। एक ना एक दिन, जब मैंने कहा आपको राइट टाइम आता है, तब पर्दा गिर जाता है, उनके चेहरे से भी नकाब हटेगा, उन्हें भी सज़ा मिलेगी। देखते जाइए कि कल्कि अवतार का एक्सपोज गेम उनके द्वारा, उनके भक्तों के द्वारा किस तरह का खेल आगे के समय में रचा रहा है और आपकी आंखों के सामने किस तरह से एक एक दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।